रेती चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर के सौंदीकरण के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदर सांसद रवि कृष्ण, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के पहुंचने के बाद मंदिर के हाल में लगा एक पोस्टर कौतूहल का विषय बन रहा। पोस्टर पर कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास जी का फोटो लगा हुआ था और एक स्लोगन लिखा था, गोरखपुर की एक ही आस, रविन्द्र दास, रविन्द्र दास। इस पोस्टर को देखकर लोग बार बार एक दूसरे से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल उस समय बदल गया जब सदर सांसद रवि कृष्ण ने इस पोस्टर पर सवाल उठा दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रविन्द्र दास द्वारा लगाया गया यह पोस्टर समझ में नहीं आ रहा है, जिसे सुनते ही लोगों को हंसी का ठिकाना नहीं रहा। जब संबोधन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने इस पोस्टर के बारे में कहा कि महंत रविन्द्र दास जी को पोस्टर लगाने का बहुत ही शौक है और यह पोस्टर यहाँ के सांसद, विधायक और महापौर को चेतावनी दे रहा है कि वे सचेत हो जाएं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कालीबाड़ी मंदिर में लगाया गया पोस्टर लोगों के उत्सुकता का विषय बन रहा और लोग पोस्टर को बार बार निहारते रहे। ये देख के बहुत खुश हुए महाराज जी, बहुत धन्यवाद। रघुनाथ जी के लिए मैं यही कहूँगा कि हम ये समझ में नहीं आता कि कारण गोरखपुर की एक आस वो पोस्टर लगा है, वो मैं सबसे पहले बहुत श्री रविन्द्र दास जी महाराज को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने मंदिर को एक भव्य स्वरूप दे दिया। इस सही मायने में उनके पुरुषार्थ का, उनकी तपस्या का फल है। अगर वह प्रयास नहीं करते तो इतना भव्य रूप मंदिर का आज हम सबको देखने को नहीं मिल पाता। लेकिन बाबा सच जितने सज्जन हैं उतना ही पोस्टर बाजी में देखिए बाबा ने पोस्टर भी उनके भक्तों ने लगा दिया और सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी को बुला करके संदेश भी दे दिया। तो बहुत अच्छा काम है, बाबा स्वयं नहीं चाहते कि सौर में लोग ज्यादा देर तक बैठे। देखिए वे जानते थे कि ज्यादा देर आप लोग बैठेंगे तो फिर बोले के प्रसाद जो लगा भंडारी की मांग करेंगे, इसलिए सौर में ऐसी व्यवस्था कर दी कि ना कोई हवा आ सके ना जा सके। इसलिए बाबा की जो कृपा है वो बड़ी अपरंपरा है, वो केवल भक्तों को ही, सांसद विधायक महापौर को ही संदेश नहीं दे रहे, आप सबको भी संदेश दे रहे हैं कि थोड़े भी विचलन होगी तो क्या करेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबको विजयादशमी और शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई। आप सबने बाबा के साथ मिलकर के इस मंदिर को भव्य स्वरूप दिया है, सचमुच दर्शनीय दिया गया है। मैं पिछले 30 सालों से कालीबाड़ी मंदिर को देख रहा हूँ, कितना कंजेशन था, नहीं आ सकते थे।